दमो पथरिया मार्ग पर कोपरा तथा सोनार नदी पर बनने वाले पुल बरसों बाद भी कंप्लीट नहीं हो सके हैं, जिस वजह से मजबूरी में लोगों को पुराने पुलों से आवागमन करना पड़ रहा है और हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे ही एक भीषण हादसे में बीती देर रात रीवा में पदस्थ पथरिया निवासी पटवारी आदित्य सोनी की बुलेनो कार खोजाखेरी के समीप कोपरा नदी के पुल से अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। सुबह स्थानीय लोगों ने जब नदी में कार को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। बाद में देहात थाना पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कार में आदित्य सोनी का शव फंसा हुआ मिला। पहले इस मामले में खबर आ रही थी कि हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक ही शव मिलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। इधर इस हादसे की वजह कार का तेज रफ्तार होना और पुल पर क्रॉसिंग के दौरान किसी छोटे वाहन या मवेशी का आ जाना माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लंबे वर्षों से पथरिया में सोनार तथा कोपरा नदी के पुलों का कार्य चल रहा है। बीच में पुलों का निर्माण कार्य बंद करा दिया गया था, लेकिन उसे पुनः प्रारंभ किया गया है। वर्षा काल में भी पुल कंप्लीट नहीं हो सके हैं, जिस वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खोजा खेड़ी नदी पुल के पास एक गाड़ी जो है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम, होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और क्रेन के साथ इस गाड़ी को तत्काल निकाला गया। एक व्यक्ति गाड़ी में, जिसका नाम आदित्य सोनी, जो कि रीवा में पटवारी के रूप में पदस्थ थे, जिनका निज निवास पथरिया था, वो कल रीवा से अपने निज निवास पथरिया आ रहे थे। देर रात्रि में संभवतः जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से जो है घटना हुई, प्रकरण में मर्ग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की जांच पश्चात आगे की।